इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र के दूधिया गांव में शादी समारोह के कार्यक्रम में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान शादी समारोह में मौजूद दुल्हन के मामा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद खुड़ेल थाना पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एक मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है। दरअसल खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम दूधिया में रहने वाले महेश रावल के घर दो बेटियों की शादी की रस्में निभाई जा रही थी। एक बेटी के ससुराल के लोग इंदौर से आने वाले थे, तो वहीं दूसरी बेटी का ससुराल घर से कुछ ही दूरी पर था। शादी समारोह में परिवार आ चुका था और रस्में शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मामेरे की रस्म शुरू हुई और रस्म शुरू होते ही महिलाओं का नाच गाना भी शुरू हो गया। इस दौरान दुल्हन के ससुराल पक्ष के कुछ युवक शादी समारोह में पहुंच गए और वहां महिलाओं के बीच नाचने लगे। नाचने के दौरान वहां मौजूद दुल्हन के मामा मृतक पंचाराम द्वारा दुल्हन के देवर भोला को मना किया गया कि वो महिलाओं के बीच में ना नाचे, जिस पर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भोला अपने दो साथी विजय और राजा को बुलाकर ले आया और तीनों ने मिलकर दुल्हन के मामा मृतक मंचाराम पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण चाकू का वार उनके गले पर लगा और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मंचाराम की मौत हो गई। ये कल शाम का घटना है। कल हम लोग शादी में आए थे दुधिया गांधीनगर में, जहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा उत्पात मचाया गया था, जिसकी शिकायत भी हमने पुलिस में पहले कर दी थी 8-9 बजे के समथिंग। लेकिन 100 पे फ़ोन करने के बाद भी थाने से भी फ़ोन आया, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। क्या विवाद क्या हुआ था? विवाद कुछ नहीं, कुछ गांव के लोग थे, लड़के थे, तो नाचने पे लेके कि हम भी नाचेंगे, इसको रोका, लेकिन वो रुके नहीं, माने नहीं, और लड़ाई की, झगड़ा किया, पत्थरबाजी भी की, इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी, लेकिन पुलिस से कोई साथ ही नहीं आई। शादी समारोह था, किसकी शादी थी, किसमें गए थे? शादी समारोह था, हमारे रिलेटिव है, उनकी दो लड़कियों की शादियाँ थी, शादी समारोह में गए थे। नहीं, बाराती नहीं थी, हम लोग फिरौनी करके कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम चला था खाना खाने के बाद, उसी के बाद हुआ। उसी के बाद हुआ। हाँ जी, जो जिनकी मौत हुई है या कौन है? ये लड़की जिनकी शादी में गए थे उनके मौसा जी है, सगे। हाँ जी, मंशाराम। इनका, इनकी क्या भूमिका थी, क्या इनसे बातचीत हुई थी? इनकी भूमिका कुछ नहीं थी, ये रोकने को लेकर गए थे, रोक रहे थे, जहाँ झगड़ा रहा था वहाँ पे बीच बचाव करने गए थे। हाँ, चाकू मार दिया गया इनके? चाकू मारा है, और जो सरिया आता है सरिया से वार किया गया पीछे। हाँ, पीछे सरिया भी मारा है, चाकू मारा है। कितने लोग थे? 3 से 4 लोग अभी सामने आए, लेकिन उनका जो पूरा गैंग है 8-10 लोगों का, लेकिन अभी 4 लोग ही सामने आए। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे? ये वहीं दुधिया के रहने वाले हैं। हाँ जी, कोई पुराना विवाद था इनका? नहीं, ऐसा हम लोग को कोई पुराना विवाद नहीं था, हम तो बस रिश्तेदारी के हिसाब से आए थे, हमारा कोई विवाद नहीं था। और ये मान के दूसरी, इधर ग्रामीण SP भगवंत सिंह विरदे का कहना है कि घटना अचानक हुई, जिसके बाद मौके से पुलिस ने आरोपी विजय और राजा को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं मुख्य आरोपी भोला की तलाश की जा रही है। आरोपी रिश्ते में दुल्हन का देवर बताया जा रहा है। थाना खुड़ेल के अंतर्गत ग्राम दूधिया में एक महेश रावल जी हैं, उनकी 2 बच्चियों की शादी हो रही थी, उनके वहाँ मामेरा आया हुआ था। महेश रावल के साढ़ू भाई थे मंसाराम जी, जो कि खरगोन जिले के निवासी थे, वो भी शादी में आए हुए थे। कल जो है एक भोला नाम का एक लड़का है, वो मामेरा में जो महिलाएं नाच रही थी, गीत संगीत कर रही थी, उनके बीच में जा रहा था, तो मंसाराम जी ने उसको रोक के डांट के उसको भगा दिया था। उसी बात को लेके फिर भोला अपने 3 साथियों को, भोला, विजय और राजा, तीनों आए और मंसाराम के साथ मारपीट की उन्होंने, और फिर चाकू से उनके गले में वार किया, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे कि थाना खुड़ेल में अपराध धारा 302-34 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। 2 आरोपी जो है पुलिस अभिरक्षा में, विजय और राजा, भोला फरार है, भोला की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।